द रॉक केविन नैश और एजे स्टाइल्स को हुआ कोरोना। ड्रू मैकइंटायर का सर्वाइवर सीरीज का ओपोनेंट आया है सामने। एनएक्सटी की मेंबरशिप कितने आई और रोमन रेंस होने वाला ड्रॉप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE Megossips। WHG तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कुल मिलाकर 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे जो कि दोस्तों काफी एक्सक्लूसिव है। तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों WWE के उन 3 बड़े रेसलर्स की न्यूज के साथ जिन्हें हो चुका है COVID-19। तो आप जानते हैं कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में तबाही मचा रखी है। ऐसे में दोस्तों 3 रेसलर्स ऐसे निकलकर सामने आए जो ने बताया कि हाँ वो COVID-19 पॉजिटिव है। तो सबसे पहले रेसलर कोई और नहीं दोस्तों, हमारे ब्रामा बुल द रॉक है। द रॉक ने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया सुबह सुबह और उसके अंदर वो ये चीज बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना हो चुका है। ये चीज बोले द रॉक कि न जाने कैसे वो COVID-19 के वश में आ गए और कोरोना ने उन्हें ही नहीं उनकी पूरी फैमिली को जकड़ लिया है। ये चीज बोले हैं कि मेरी 2 डॉटर्स और मेरी वाइफ को भी COVID-19 है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कोरोना के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण दिया और ये चीज बताई किस तरीके से हम खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो बॉटम लाइन है वो ये, द रॉक को COVID-19 है और वो उन सेलिब्रिटीज में जोड़ चुके हैं जो कि COVID-19 के संपर्क में आ रखे हैं। जब दोस्तों द रॉक ने अनाउंसमेंट की उसके ठीक बाद जो आपके एजी स्टाइल्स है उन्होंने भी अपनी स्ट्रीम पर ये चीज बताई कि लास्ट मंथ उन्हें भी COVID-19 हो चुका था, हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है। तो एजे स्टाइल्स को भी COVID-19 था और द रॉक को COVID-19 है। यही दोस्तों एक और रेसलर ऐसा आया जिसने बताया कि अभी भी वो COVID-19 से जूझ रहा है, वो कोई और नहीं, वो है बिग डैडी कूल यानी कि दोस्तों केविन नैश। केविन नैश ने दोस्तों द रॉक को टैग करते हुए ये चीज कही कि वेलकम टू द फैमिली, यानी कि COVID-19 से जुड़े लोगों की फैमिली में मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। मेरी वाइफ को अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा है खाने का, दैट मीन्स दोस्तों उनकी फैमिली को भी कोरोना वायरस है। तो कुल मिलाकर दोस्तों WWE के अंदर जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और WWE के बाहर जो हमारे सेलिब्रिटी कम एक बड़े स्टार ज़्यादा यानी कि द रॉक है उन्हें भी दोस्तों कोरोना है। तो होप करते हैं इन सारे सुपरस्टार्स और उनकी फैमिली को भगवान सुरक्षित रखे। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ड्रू मैकइंटायर के सर्वाइवर सीरीज के ओपोनेंट से। तो अब आप जानते हैं दोस्तों कि सर्वाइवर सीरीज काफी ज्यादा दूर है, अभी बहुत से PPV आने बाकी है और इन्हीं बड़े बड़े PPVs के बीच में बहुत सारे मैचेस भी होने हैं। पर क्या हो कि मैं आपको बता दूं कि सर्वाइवर सीरीज में ड्रू मैकइंटायर का ओपोनेंट कौन होने वाला है। तो गाइस बता ही देता हूं, ड्रू मैकइंटायर के ओपोनेंट सर्वाइवर सीरीज में जो होंगे वो कोई और नहीं होंगे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। तो हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि गाइस रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर की जो राइवलरी WWE काफी लंबी खींचने वाला है और इसका अंत दोस्तों क्लैश ऑफ चैंपियंस में नहीं होगा, ना ही दोस्तों उसके बाद किसी PPV के अंदर इसका अंत होने वाला है। ये सीधा जाइए सर्वाइवर सीरीज तक। हेल इन अ सेल में भी दोस्तों आपको टाइटल चेंज ना होते हुए नजर आए और फाइनली दोस्तों राइवलरी का अंत हो सर्वाइवर सीरीज में। तो रैंडी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एट सर्वाइवर सीरीज लगभग दोस्तों बन ही जाएगा और ये राइवलरी काफी लंबी जाएगी। अब इस पर दोस्तों आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों NXT की व्यूअरशिप से। तो इस बारी की NXT काफी बढ़िया कर गई बिना कंपटीशन के दोस्तों। NXT इस बारी ट्यूसडे को आई थी जहां दोस्तों NXT की व्यूअरशिप मापी गई है 0.84 मिलियन है जो कि लास्ट वीक थी 0.82 मिलियन, थोड़ा सा जा पाया लेकिन ट्यूसडे को दोस्तों NXT काफी बढ़िया कर पा रही है बजाय कॉम्पिटिशन के। तो यहाँ दोस्तों HHH को सल्यूट है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो बहुत बड़े सुपरस्टार से जुड़ी है, वो जुड़ी है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर के ऊपर बहुत से लोगों का सवाल ये था क्या ब्रॉक लेसनर AEW में जा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट बन चुके हैं। फ्री एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से उस कंपनी में बाउंड नहीं होता, वो कहीं भी जा सकता है। वो NJPW में जा सकते हैं, ROH में जा सकते हैं, वो UFC में वापस लौट सकते हैं और वो जा सकते हैं WWE की राइवल कंपनी यानी कि AEW में। यहाँ दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा आज से काफी समय पहले टोनी खान ने काफी इंटरेस्टिंग बातें की थी ब्रॉक लेसनर से जुड़ी हुई और वहीं दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर है उन्हें कोडी रोड्स अपने शो में भी लाना चाहेंगे क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर काफी ह्यूज प्लेयर है और ऐसे प्लेयर है जो कि रेटिंग्स को आसानी से बूस्टअप कर सकते हैं। ये थिंग भी हो सकती है कि AEW फिर 1 मिलियन के आंकड़े को छुआ करे
अब गाइस बात की जाए ब्रॉक के जाने के चांसेस की, तो मुझे कम ही लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं और उनकी अपीयरेंस बेहद कम रहती है, तो AEW वाले शायद ही उन्हें साइन करें। लेकिन हाँ, अगर टोनी खान अड़ जाते हैं अपनी बात के ऊपर तो ब्रॉक जा भी सकते हैं। तो ब्रॉक के चांसेस दोस्तों 50-50 है, बट मुझे ऐसा लगता है कि WWE उससे पहले ही ब्रॉक को फिर से एक डील में साइन कर लेगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ को। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है पेटन रॉयस से। तो पेटन रॉयस दोस्तों हाल ही में काफ़ी इमोशनल नज़र आई है। आप जानते हैं आइकॉनिक्स दोस्तों टूट चुके हैं, इस बारी की मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे रायट स्क्वाड के खिलाफ ये टीम हार जाती है आइकॉनिक्स की, और बिली के और पेटन रॉयस को अलग होना पड़ जाता है। पेटन रॉयस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ये चीज़ कही कि अभी से कुछ समय हुआ है और मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, आज का दिन काफ़ी रफ रहा, हमारी टीम 5 साल से एक साथ थी, एक दूसरे को हम दिमाग में रख के फाइट किया करते थे, एक दूसरे के दिमाग में हमने जगह बना ली थी, लेकिन अब अलग होना पड़ रहा है और मुझे मेरी फ्रेंड की कुछ आदत सी हो गई थी, चलो जो हुआ सो हुआ, अब हमें इंडिविजुअली ग्रो करना है, लेकिन हाँ मुझे बिली के की काफ़ी ज़्यादा याद आएगी। तो काफ़ी इमोशनल यहाँ दिखाई दिए दोस्तों पेटन रॉयस, काफ़ी बढ़िया टीम थी, न जाने दोस्तों WWE की क्रिएटिव टीम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रे वायट से। तो ब्रे वायट ने दोस्तों रैंडी ऑर्टन को उंगली कर दी है। हाल ही में दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने क्या किया था कि वाइपर की तस्वीर डाली थी ट्विटर के ऊपर, दैट मींस वो खुद को बता रहे थे कि वो वाइपर है। इस पर दोस्तों तंज कसते हुए जो हमारे ब्रे वायट है उन्होंने एक और GIF सेंड किया जिसके अंदर दिखाया जा रहा है एक हीरो दोस्तों वाइपर को मार गिराता है सिर्फ मुक्के के साथ। यानी कि दोस्तों ब्रे वायट का कहना यह है कि एक मुक्के की देरी है और तू ढेर हो जाएगा। तो बातों ही बातों में ना सही दोस्तों, इशारों में यहाँ एक वॉर चालू है रैंडी ऑर्टन ब्रे वायट के मध्य। अब इसी से जुड़ी हुई दोस्तों हमारी खबर रहेगी आज की फाइनल, जो कि जुड़ी हुई है WWE ड्राफ्ट 2020 और बिग डॉग रोमन रेंज से। तो अगर ये अलग अलग ब्रांड्स के सुपरस्टार्स आपस में भिड़ रहे हैं तो इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है दोस्तों, वो है WWE ड्राफ्ट, जिसके अंदर रोमन रेंज जा सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। तो गाइज हुआ क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों हाल ही में चीज़ बताई गई कि रोमन रेंज जो है वो लंबे समय तक अपना टाइटल नहीं हारने वाले, टाइटल उनके कंधे पर ही रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, वो दोस्तों चैंपियन रहने वाला है। साथ ही साथ इस बारी का जो हेल इन अ सेल PPV होगा उसके अंदर रोमन रेंस नहीं होंगे। रोमन रेंस का स्केड्यूल दोस्तों वैसा बताया जा रहा है जैसे कि ब्रॉक लेसनर का पास्ट में था, यानी कि वो बेहद कम फाइट यहां देने वाले हैं। चूंकि दोस्तों अब रोमन एक हील बन चुके हैं तो ऐसे में ये थिंग उन पर सही भी बैठेगी। वहीं बात की जाए WWE ड्राफ्ट 2020 की, यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि वो इस ड्राफ्ट में हो सकते हैं ड्राफ्ट इनटू मंडे नाइट रॉ। रीजन बिहाइंड दैट की बताया जा रहा है, इस साल दोस्तों WWE दोनों मेन टाइटल्स को इधर उधर करने वाला है, यानी कि दोस्तों जो WWE चैंपियनशिप है उस मैडाउन में जाएगी, यूनिवर्सल चैंपियन को जाना होगा मंडे नाइट रॉ में, और जब दोस्तों रोमन रेंज चैंपियन है तो वो हमें इस बारी के ड्राफ्ट में जाते हुए नजर आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब गाइस वही बात की जाए WWE ड्राफ्ट 2020 की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगले 1-2 या फिर 3 महीने में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों बहुत ह्यूज चेंजेस यहाँ बताया जा रहा है, देखना होगा ये कि रोमन रेंस का दोस्तों मंडे नाइट रॉ में आगे जाकर कौन ओपोनेंट बनता है, क्योंकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में उन्हें फेस करना होगा फीड ब्रे वाइट को। अब दोस्तों आप लोगों से ये सवाल है, क्या फीड ब्रे वाइट अपना बदला इस बैड वाले रोमन रेंस से ले पाएंगे, या फिर जो ये बैड एस रोमन रेंस है ये उनकी कर देगा खटिया खड़ी? तो कमेंट करके जरूर बताएगा। आज की वीडियो इतनी से, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।